हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सुमित्रास किचन। तो आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ एक अमेजिंग चटनी की रेसिपी। इस तरह की चटनी आपने कई बार होटल में खाई होगी या घर में बना कर खाई होगी, और मैं बिल्कुल उसी तरीके का एक स्पेशल चटनी बना रही हूँ जो कि इडली डोसा के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ कश्मीरी मिर्च 5-6 और उसको सीडलेस करके रख दूंगी। आप यहाँ पर चाहें तो बेडमी मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस मिर्ची में भी ना काफ़ी कलर चटक होता है, तो वो मिर्ची को भी अगर डाला जाए तो काफ़ी चटकदार रंग आता है ग्रेवी में, चटनी में, किसी में भी आप इसे डाल सकते हैं। तो देखिए, इसका मैंने सारा सीड जो है मैंने इसे निकाल दिया है। अगर छोटे बच्चे भी खाना चाहे तो थोड़ा बहुत खा सकते हैं। अब इस मिर्ची को फुलाने के लिए हमें चाहिए गर्म पानी। तो मैंने यहाँ पर एक कप गर्म पानी में अच्छे से मिर्ची को डुबोकर रखा है 15-20 मिनट के लिए। अब आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल लिया है, मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, और उसमें बारीक कटा हुआ 2 मीडियम साइज का प्याज मैं जस्ट सॉटे कर रही हूँ, और बीच में जगह बनाकर मैं यहाँ पर तिल यूज़ कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच। जैसे ही तिल थोड़ा सा पॉपअप होने लगे तो इसका मतलब है कि तिल हमारा रेडी है। उसके बाद हम दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, जैसे कि करी लीफ यहाँ पर 20 से 25 लिया है, इमली यानी कि टैमरिंड थोड़ा सा यूज़ किया है, और ये है रोस्टेड चना दाल जिससे हम चटनी वगैरह बनाते हैं, ये वही दाल है, और इसे भी अच्छे से हम चला देंगे। अब डालेंगे 1/2 कप यहाँ पर किसा हुआ नारियल। आप चाहें तो कच्चा नारियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा आपने, मैंने यहाँ पर गैस बंद कर दिया क्योंकि नारियल जो है हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, वो बाकी चीज़ों की गर्मी में ही अपने आप ना वो तैयार हो जाएगा। ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बढ़िया सा एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। सारी चीज़ों को हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे, और अब बारी आती है इसमें लाल वाली मिर्च डालने की। देखिए इसका कलर कितना ब्राइट हो गया है और कितना फूल गया है, बहुत ही अच्छा कलर है। तो देखते हैं हमारी चटनी का कौन सा कलर आता है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, साथ में डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून सॉल्ट। तो चटनी ग्राइंड होने के बाद कुछ इस तरह दिख रही है। देखिए इसका कलर ना लाल नहीं है, ये ऑरेंजिश कलर है, तो कोई नहीं, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी टेम्पटिंग कलर है। तो ये मुझे तो बहुत पसंद आई, इसका टेक्सचर और इस चटनी का स्वाद। मुझे लगता है इस रेसिपी को आपको भी ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए। आप चाहे घर में डोसा बनाए, इडली बनाए या तो उत्तपम। जी हाँ, आज मैं यही रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं उत्तपम के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पर मैंने बॉइल्ड राइस यूज़ किया है 1 कप, मैं यहाँ मेजरिंग कप ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो घर का कोई भी कप, कटोरी, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में यहाँ लिया है 1/2 कप उड़द की दाल, 1/4 कप तुअर की दाल और 1 टेबल स्पून मेथी दाना। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से धो लिया था और भिगो कर 7 घंटे के लिए रख दिया था, और क्योंकि ये मुझे लंच में बनाना था इसलिए मैंने अर्ली मॉर्निंग ही ये सब कर लिया है। अब पीसने से पहले मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1/4 कप पोहे। आप चाहें तो यहाँ पे घर का बना हुआ बचा हुआ जो राइस होता है वो भी आप अपने हाथ का 2 मुट्ठ यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब दाल को हम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक्स्ट्रा जो पानी है इसे हम निकाल लेंगे, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार जितने दाल को पीसने के लिए पानी चाहिए उतना ही रखेंगे। और अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं, और सेम इसी जार में हम चावल और जो पोहे का जो था भीगा हुआ इसे भी हम डालकर पीस लेंगे। ये काफ़ी इजी है बनाना, इसे आप कभी भी अपने डिनर के लिए इंस्टेंट बनाना चाहें तो 1-1.5-2 घंटा पहले गर्म पानी में दाल चावल को भिगोकर आप इसे पीस कर भी बना सकते हैं। तो जब हम दाल चावल हम पीस लिए हैं, अब इसे बहुत अच्छे से पहले ना फेंट लेना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर किसी भी प्रकार का सोडा, बेकिंग पाउडर मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया इसे फर्मेंट करने के लिए। ये 1/2 घंटे बाद जब मैंने इसे निकाला तो ये हल्का सा ही फर्मेंट हुआ था, क्योंकि अभी विंटर सीजन है, बहुत ज़्यादा अच्छे से फर्मेंट नहीं होता है। फिर भी मैंने इसे ढककर एक गर्म जगह पर रख दिया था। थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, जितनी रिक्वायरमेंट है हमें उत्तपम बनाने के लिए। उसमें मैंने 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच नमक मिलाया है। अब ऐसा छोटा छोटा लेकर मैं यहाँ तावे पर डाल रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छा सा मिनी उत्तपम बन जाए।
तावा बड़ा है ना, तो यहाँ पर हम 3 या 4 बना सकते हैं। साइड से थोड़ा थोड़ा ऑयल भी हम डालेंगे और ऊपर अपनी पसंद की सारी सब्जियां डालेंगे। तो मैं यहाँ पर बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, गाजर और थोड़ा सा चाट मसाला, जीरा पाउडर, ये सब डालकर मैं इसे, बीटरूट भी डाल दिया है मैंने इसे ज़रा सा और हेल्दियर बनाने के लिए, इसे ढक दिया था। 1.5 से 2 मिनट में ही एक साइड अच्छे से कुक हो जाता है, फिर हम इसे टर्न करेंगे। टर्न करके थोड़ा सा और तेल डालेंगे तवे पर, और ढकने से क्या होता है ना, बहुत जल्दी ये पक जाता है। तो देखिए ये हमारा मिनी उत्तपम बनके तैयार है। ये मिनी उत्तपम की जो आइडिया है, ये आप अपने छोटे बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में ज़रूर ट्राई करिए। बच्चे टिफ़िन बॉक्स पूरा खाली कर कर ही घर लौटेंगे। बड़ों को भी ऑफिस में ये रेसिपी काफ़ी आइडल है, काफ़ी इजी है लेके जाने में, और बनाकर जल्दी से बनाकर आप इसे दे भी सकते हैं। कम टाइम की रेसिपी है ये, तो इसलिए ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करना ना भूलें। रेसिपी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने गोल तक पहुँच सकूँ। तो चलिए अब मैं यहाँ उत्तपम को सर्व करती हूँ इसी मज़ेदार चटनी के साथ। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, इस चटनी को ट्राई करें। तो गाइज जल्द ही मिलते हैं किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।